उस पे लिख के भेजा कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है जिससे आप ट्रेनिंग करा रहे हो फिनलैंड की, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है? यूनिवर्सिटी की एक संस्था वहां ट्रेनिंग कराती है, यूनिवर्सिटी की ही अपनी संस्था है, उसके पास टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं है? और डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे 1000 टीचर्स को भेज चुके हैं विदेशों में, डीओपीटी की गाइडलाइन फॉलो करके ही भेज रहे हैं, तो वो फाइल ये कह के वापस भेज दी। जब उसका जवाब दे के वापस भेजा एलजी साहब के पास, तो अब एलजी साहब ने लिखा कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवा लो और देश में देखो कि कहीं देश में भी इतनी क्वालिटी की ट्रेनिंग क्यों नहीं हो सकती है, देश में ही करा लो इसकी, इस तरह की ट्रेनिंग भारत के अंदर ही करा लो। अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो सबसे बड़ा महाफ्रॉड कुतर्क है, किसी भी काम को रोकना हो उस पर लिख दो इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। आज एलजी साहब बैठ के अपने दफ्तर में इतने षड्यंत्र रचते हैं, रोज एलजी के दफ्तर का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो, आज ही एलजी दफ्तर बंद करना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री जी पूरे देश में दुनिया में घूमते हैं, आप उनकी यात्राओं का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा के देख लो क्या होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर चीज के अपने फायदे होते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं दो देशों के बीच में रिलेशन बनते हैं, अब उसको कॉस्ट पे क्या लाओगे जी, 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ तो इसका कॉस्ट, 1 करोड़ रुपए के रिश्ते बने कि नहीं बने, कैसे कॉस्ट आप तय करोगे? 99% से ज्यादा रिजल्ट हो गए हमारे बच्चे, अब 500 बच्चे जेई में चले गए हर साल, 500 बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं बिना कोचिंग के हर साल, प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल निकाल के गवर्नमेंट स्कूलों में ला रहे हैं। आप क्या कॉस्ट बेनिफिट, आप देखोगे कि 1 लाख रुपए खर्च हुए तो 1 लाख रुपए की कीमत क्या वसूली हुई, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है? आपके सारे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने वाला है, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, सारे भारतीय जनता पार्टी के सीएम अपने परिवारों के साथ वहां पे जाएंगे सरकारी खर्चे पे, सारे मंत्री वहां पे जाएंगे सरकारी खर्चे पे, उसका क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है? उसको भी कह दो कि जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहां पे क्यों जा रहे हो, देश में कर लो, दिल्ली में कर लो, कुछ लिख देना उस पर कुछ, इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने की क्या जरूरत है, देश में कर लो कुछ। तो अगर आपको दुनिया के साथ चलना है, आज अपने आपको विश्व स्तरीय हमें शिक्षा देनी है अपने बच्चों को, तो अपने टीचर्स को बताना पड़ेगा कि विश्व में हो क्या रहा है, विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी। ये बीजेपी को समझ में नहीं आता क्योंकि इनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सरकार कर रही है उसको क्यों रोक रहे हो आप? तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने इतने भारी बहुमत से सरकार बनाई है अपनी, और वो सरकार एकमात्र सरकार है जो टीचर्स को भेज रही है, मंत्री घूमते रहते हैं, अफसर घूमते रहते हैं, पहली ऐसी सरकार है देश के इतिहास में जो टीचर्स को विदेशों में दुनिया की सबसे बढ़िया ट्रेनिंग पे भेज रही है। अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट उसके पास उसने नाजायज कब्जे से कर रखा है, तो उसकी फाइल पे रख रख के 30 टीचर्स तो दिसंबर में जाने थे वो नहीं जाने दिए, अब अगले 30 मार्च में जाने वो भी नहीं जाने देंगे, तो सारे स्कूल बंद ही कर दो ना फिर, अगर अच्छी शिक्षा देनी नहीं है तो। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि बीजेपी के इस, आप बीजेपी के हर षड्यंत्र में साथ देते हैं, आप बीजेपी का इस षड्यंत्र में साथ मत दीजिए कि दिल्ली की एजुकेशन को बर्बाद करना है। आपने हमेशा एलजी ऑफिस का दुरुपयोग किया है, आपने असंवैधानिक रूप से हर काम में अड़चन अड़ाई है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो काम है शिक्षा का, ये बहुत पवित्र काम है, इसमें मत टांग अड़ाइए, यही मैं कहना चाहता हूं। सर अब आगे कैसे नहीं भेजेंगे उनके पास फाइल, फिर से भेजेंगे इसको, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको दिल्ली के गरीब लोगों से क्या दुश्मनी है, आप भी तो दिल्ली के एलजी हैं, दिल्ली के लोगों को अगर अच्छी सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल रही है तो आप उसको बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? तो अभी लेटेस्ट वाला जो आप बता रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट वाला, अभी लेटेस्ट क्या इसके चलते रुका हुआ है मामला? मना, एक तरह से मना ही है ना कि आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराइए और देश में ही देखिए, देश में करा लीजिए। इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ जो एलजी साहब ने लिख के दिया अभी लेटेस्ट। डिपार्टमेंट मस्ट प्लेस इन रिकॉर्ड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन टेंजिबल टर्म्स। अब ये टेंजिबल टर्म्स में क्या होता है जी, एक टीचर पे मान लो 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है ट्रेनिंग पे, 1.5 लाख रुपए खर्च हो, टेंजिबल टर्म्स में क्या बताओगे जी, 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। दूसरा, टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज इट इज एसेंशियल टू एग्जामिन एंड आइडेंटिफाई सिमिलरली प्लेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस विद इन द कंट्री। आप देश में ही इंस्टीट्यूट ढूंढ के उसमें ट्रेनिंग करा लीजिए, तो ये तो एक तरह से मना करने वाली बात है ना। कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चलेगी सर्विसेज पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा है केंद्र सरकार से कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने का मतलब क्या है, कि अगर सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सही बात है, अगर टीचर्स की ट्रेनिंग मुख्यमंत्री और मंत्री मिलके अपने टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज सकते, तो फिर आप चुनी हुई सरकार बनाते ही किस लिए हो यहाँ पे? सर आज मुलाकात भी होनी है
मुख्यमंत्री की और उपराज्यपाल की लगातार जिस तरीके से लेटर वॉर चल रहा है उस बीच ये मुलाकात है, ऐसे में ये मुद्दा और तमाम मुद्दे लगता है कि सुलझ पाएंगे ऐसी मुलाकात से? नहीं, अगर एलजी साहब के दिल में जरा भी दिल्ली के बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हमदर्दी है या जरा भी उनके लिए है कि मुझे दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। मेयर के लिए आपने डेट सजेस्ट किए मेयर चुनाव के? Right, so Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, speaking about Flashpoint over teachers' training, he says Delhi government has only done things to enhance quality of teaching and LG is interfering in it and not letting things happen, and that LG has been conspiring with the BJP to ruin Delhi's education sector. A big charge by Delhi Deputy CM. We have Harish Khurana of the BJP joining us on the story. Mr. Khurana, Delhi Deputy CM Manish Sisodia once again making a charge against the LG VK Saxena. He says that he is unnecessarily interfering with the education sector, not letting things happen naturally. In fact, as far as cost-benefit analysis is concerned, that is being ordered unnecessarily. And as a result of it, it's the education sector that is suffering. And he goes on to say this is all done in conspiracy with the BJP to ruin Delhi's education sector. He says, do not interfere in pro-poor schemes. What we take is, this is another point of confrontation as usual. The Aam Aadmi Party is in the habit of doing confrontation with left-wing governors. First Egyptian, second then Anil Bajal, now Vicky Saxena. They are in the habit of doing a confrontation in every issue. My point is, a left-wing governor will ask a clarification about what is the cost analysis. Why are you not giving it? What's the point of your confrontation? And one more point which BJP is asking, have you given the salaries for university teachers which they are demanding since last few months? Have you given it? On one hand, you are spending the money on the teachers' training, but you are stopping a salaries of university teachers which comes under Delhi government of 16 colleges. Why? Have you given it? BJP is asking it. Please clarify. Manish Sisodia should clarify it, whether he has given it or not. The DTC workers are on strike or on demand of that they are not getting a salaries. Marshals are not getting a salary since 4 months. Have you given it? I mean, the point is, he's spending a money on the teachers and saying BJP is stopping it. The only left-wing governor has asked the clarification on the cost analysis. Why aren't you giving it? Why are you making an issue? Why are you making an ego issue on this? The point is, every time when the left-wing governor seeks a clarification and asks about what is happening, they say the confusion starts happening now. Mr. Khurana, all right, you're saying that cost-benefit analysis is something important and they should give the data, they should give response to this. And you're also questioning whether they have given salaries to several of these teachers. Now, however, Manish Sisodia and several from the Aam Aadmi Party feels that this is a deliberate attempt to belittle the work of Aam Aadmi Party, and this is being done only to scuttle their efforts towards education just for BJP's political benefits. How do you respond to that? This is the same rhetoric what Manish Sisodia and Arvind Kejriwal says every time when question has been asked. The same rhetoric. BJP is not letting us the work. Left-wing governor is not letting us the work. Arey Baba, tell us the whole Delhi ki how much money you have spent on the teachers, on the training, and what benefit have got the benefit for that. What is the cost analysis? Please clarify it. Why not clarifying it? What is the ego issue on this? Point is this. Why are you making an ego issue? Point. I mean, it's simple. When a left-wing governor, who is a custodian of Delhi, has seeked some clarification about cost benefit, please give it. Why are you facing it? Why are you making an ego issue? Please give it, and a left-wing governor will clear the file. I don't think he has any problem for doing it. All right, Mr. Khurana, you're saying forget the ego and give the information that has been sought, and this is not political, is what you are stating. Thank you for joining us with your thoughts on this.